मतलब देखो सरकार में आना है किसी तरीके से भी आना है भाई, हुक और क्रुक। मोदी जी ने वो कर दिया, अरे करते तुम हो, नाम मोदी जी का लगाते हो। मटन को लेके, मछली को लेके क्या मतलब है? अरे तुम देश की बात करो। हाँ भाई, मैंने ये आपकी पैदाइश कब की रही होगी? ये आटा चावल दाल, ये बिस्कुट चाय पत्ती। इमरजेंसी का दौर नहीं देखा है आपने? मैंने गरीबों को भी मार रहे हैं। मोतीलाल देवीलाल, हरियाणा के जितने भी रोड्स हैं, सारी विलेजेस को जो उसने हाईवे के साथ कनेक्ट किया है, ये इसके राज्य में हुआ है, बहुत पहले से हो चुका है। विदेश नीति सही है इनका, लेकिन अपने देश में नहीं। उठाने जाता है तो हरजन एक्ट लगा दिया। मोदी को ही वोट दो क्यों? ये फ्री दे रहा है तो गलत है, तुम फ्री दे रहे हो तो सही हो। जुमला ही बनेगा सरकार। मोदी के समकक्ष कोई लीडर नहीं अपने देश में। तो इस तरह की भाषाएं यूज कर सकता हो उसके अगेंस्ट में है कोई ऐसा? राहुल गांधी का वही सवाल बताया कि भाई किसी के पास जवाब है तो दे दे। एक इसकी वो भी है, स्मृति ईरानी, वो भी बहुत ढोल पीटती है, सिलेंडर पे बैठ जाती है। जल्द मचेगी अब मगदड़। ये भी है ना गए हुए, वो वाशिंग मशीन में इधर ही आएंगे। मटन को लेके, मछली को लेके क्या मतलब है? अरे तुम देश की बात करो। हाँ भाई, मैंने ये किया है, मेरे को वोट दो इसलिए वोट दो मेरे को। जीएसटी का ड्राफ्ट तो अंकल मनमोहन सिंह ही बना के गए। नहीं, बना के गए थे, लेकिन पॉलिसी क्या था उसमें कुछ? उस टाइम पे तो चले गए थे ना, वो तो फिर अरुण जेटली आ गया। जो भी अगर मैं बता रहा हूँ, कांग्रेस की पॉलिसी थी कि जो 20-25 चीजें हैं जो गरीबों को खाने के लिए, आटा चावल दाल, ये बिस्कुट चाय पत्ती मसाला, जो बेसिक सर्वाइवल की चीजें, हाँ, इन पर GST न लगाए। अब मोदी जी ने इस पर GST लगा दिया, मैंने गरीबों को भी मार रहे हैं। और देश के लिए मोदी जी ठीक हैं कि भैया देश के लिए कि वो करो तो ठीक है, विदेश नीति सही है इनका, लेकिन अपने देश में नहीं है। ये मोदी जी अपने लिए काम करते हैं, अब इनके नेता लोग बिल्कुल बेकार हैं इनके नाम पे। आप बाहर भी गए होंगे, क्या कह रहे हैं आप? बाहर भी कवर करने के लिए गए हैं। आपने देखा है कितनी बढ़िया रोडें बनी हैं आज की डेट में, इससे पहले नहीं थी। मैंने BJP सरकार में आज इतनी बढ़िया रोडें, कहीं भी उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, कहीं भी आप चले जाओ, इतनी बढ़िया रोडें बनी जो इससे पहले मैंने कहीं देखा ही। वो कह रहे हैं दिल्ली में कहाँ बनी? अरे दिल्ली ही तुमको चाहिए कि पूरा देश भी है? हम दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली का रोड देख लीजिए। क्या कह रहे हैं? बंसीलाल देवीलाल, हरियाणा के जितने भी रोड्स हैं, सारी विलेजेस को जो उसने हाईवे के साथ कनेक्ट किया है, ये इसके राज्य में हुआ है, बहुत पहले से हो चुका है। ठीक है, देखो सब हर एजेंडा होता है सरकार का कि हमने ये काम करने हैं। जो सरकार चली जाती है वो दूसरी सरकार उसको आगे तालीम करती है, सब बनाती है कि हाँ भाई हमारी यहाँ की रोड थी उसको हमने आगे तक लेके जाना है, जिससे हमारे को रेवेन्यू आए, तो टैक्स आता है, सब कुछ आता है और लोगों को सुविधाएं मिलती हैं। सारी बातें ये हैं। आप ये सोच के चलो कि ये करा, मेरे को एक चीज़ समझ में नहीं आती है, मोदी को ही वोट दो क्यों? जब उसने कुछ करा नहीं तो वोट किस बात का? हाँ, उत्तर प्रदेश से आओ। उत्तर प्रदेश में इससे पहले इतना गुंडा राज था कि पूजन, आज योगी जी की सरकार में आज हर चीज़ इतनी बढ़िया है, कोई गुंडा राज नहीं है। कहीं भी आप बड़े आराम से आ सकते हो, जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले जब अखिलेश की सरकार थी, कहीं मायावती की सरकार थी, मायावती की आती है तो हरजन एक्ट लगाती, 1 करोड़ आदमी जा रहा है आराम से, तुरंत उसकी गिरेवान पकड़ ली जाती है, थाने जाता है तो हरजन एक्ट लगा दिया। लॉ एंड ऑर्डर ठीक हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार, इतना बढ़िया हुआ, इतना गजब का हुआ है कि योगी जी की इतनी ये इतनी विपक्ष सवाल कर रहा है मणिपुर के बारे में, 2 शब्द कहिए। मणिपुर की बात वो हर जगह अपना, हम अपने यहाँ की अभी बता रहे हैं, अब वहाँ का जानकारी आपको ज्यादा है, आप बता दीजिए किसका यूपी? अब वो अजय मिश्रा टेनी जो मंत्री थे, तो उसमें भी तो कानून सब कुछ है, जेल हुई, अब जो किया, अब उसमें आप सरकार को करोगे तो सरकार थोड़ी जो है, अब एक आदमी कह दो गलती यहाँ मैं कर दूँ तो कह दो नहीं मोदी के आदमी ने ये कर दिया, कोई मतलब थोड़ी है। मंत्री थे, अरे तो वो जेल में है, सब कुछ जेल में नहीं है, सजा नहीं हुई, चुनाव लड़ रहे हैं वो, और अमित शाह जी अभी कह के आए कि इनको बड़ा आदमी बना दूंगा मैं, वो अपने क्षेत्र के हिसाब से कर रहे हैं, कोई उसमें वो नहीं है। और यूपी की बात है, ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला सुना होगा कि महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया है, उनके बेटे को टिकट दे दिया, बेटे को दिया है ना, तो अब बेटे का कार्य अच्छा है वो अपना दे रहे हैं, उसको नहीं दिया BJP वाले, अब ये तो है नहीं कि उसको देंगे नहीं। अब ऐसा तो सारे परिवार में देखो, सब अपने अपने लड़कों के लिए कर रहा है, वो भी कर दिए। भाई साहब कान ऐसा पकड़ दो जैसे पकड़ लो, पकड़ने में तो कान ही आया भाई। ब्रजभूषण को टिकट नहीं दिया, उसके बेटे को दे दिया टिकट, तो घर में ही गया ना, गया है वो, ठीक है, सब अपना अपना करते हैं, अपना। और आप ये बताइए कि मोदी जी 5 किलो चावल दे रहे हैं,
केजरीवाल बिजली फ्री दे रहा है, तो सुने सुने कौन गलत है? ये फ्री दे रहा है तो गलत है, तुम फ्री दे रहे हो तो सही हो। ये दे रहे हैं तो फ्री की रेबड़ी और हम दे रहे हैं तो वो है रबड़ी है। अब राहुल गांधी कह रहे हैं हम आएंगे तो 10 किलो देंगे, अब इनको और ज्यादा चाहिए 10 किलो। अब की बार 400 पार का नारा दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, तो ये मुकम्मल हो पाएगा या जुमला बन के रह जाएगा? ये जुमला ही बनेगा, जुमला ही बनेगा। सरकार किसकी भी आती है अभी कुछ नहीं कह सकते 4 जून से पहले, बिल्कुल भी नहीं। कहाँ पलड़ा कहाँ जाता है, हो सकता है कि ये 272 पे भी आ जाए, सरकार बना ले, पर 400 मतलब नहीं है। 400 तो बहुत दूर की कड़ी हो जाएगी। बात यह है कि मेरे ख्याल से सरकार तो भाजपा के ही बनेगी, चाहे जीत तोड़ से बने, जैसे बने भाजपा की बनेगी। ये बार बार ऐसे कह रहे हैं वोट भाजपा में है, आप बताओ वोट इनकी भाजपा? आएंगे मोदी 400 पार कहें तो पार नहीं तो 400 तो है ही है। गरिया कितना भी ले मोदी जी को, लेकिन वोट मोदी जी को देंगे। मैं बता दिया वोट इनको सब वहीं जाना है। बात एक अपना अपना विचार है लोगों का, लेकिन बात कि देश के लिए मोदी ठीक है, देश के लिए। हाँ दो तरह की कंट्रोवर्सी चलती है, एक तरफ तुम उसकी गलतियां भी गिना रहे हो, एक तरफ तुम ये भी कह रहे हो कि जी मोदी है, जो भी कांग्रेस ने किया था वो सही था, जो सही गलत है वो बता रहा हूँ, जो गलत सही है देश के लिए। सुनिए सुनिए, सिंगल साइड रहो। इस समय अरे एक मिनट, इस समय पूरे अपने देश में मोदी जैसा लीडर है आपका? नहीं है ना कोई? ना है आपके नजर में कोई नहीं है? मोदी नहीं तो कौन? मोदी के समकक्ष कोई लीडर नहीं अपने देश में। और क्या कह रहे हो? जो इस तरह की भाषाएं यूज कर सकता हो उसके अगेंस्ट में है कोई ऐसा? तो पर्सनल खोड़ी मेरी कौन सी वो बहस खोज के ले गया, पर मैंने बेटा ऐसा देखा नहीं कभी भी। इस तरह के प्रधानमंत्री आपने नहीं देखे? जिंदगी में नहीं देखे जब तक के, हमने नहीं देखे। बाकी मेजोरिटी की सरकार कांग्रेस की भी आई है 1984 में, 400 के आसपास सीटें आई थी, लेकिन हमने इस तरह से जो लैंग्वेज है, जो भी भाषाएं यूज होती हैं, कोई भी कर लो, एक इसकी वो भी है, एक स्मृति ईरानी, वो भी बहुत ढोल पीटती है, सिलेंडर पे बैठ जाती है सब कुछ। वो 400 का सिलेंडर हो गया तो सिर पे लेके आ गई थी। तो मतलब देखो सरकार में आना है किसी तरीके से भी आना है, भाई हुक और क्रुक, लेट्स पीपल डिसाइड। हमने क्यों इसके बारे में इतना वो करना? सबकी अपनी अपनी वोट होती है, कोई नहीं बताता है ना, उस दिन क्या करना है उसी टाइम बताएगा। नहीं, वो तो आपका मतांतर है, हम तो केवल इन जनरल परसेप्शन। केजरीवाल सरकार का कामकाज कैसे देखते हैं? दिल्ली के निवासी हो आप सभी, सब हर तरह से हर चीज़ की सुविधा मिल रही है, ठीक है, हमारे को राशन की जरूरत नहीं है, देखो बिजली का है, पानी का है, कोई दिक्कत नहीं है, सड़कें भी हैं, बसेस इतनी बढ़िया कर दी हैं लेडीज़ के लिए, सब कुछ कर दिया है उसने, फ्री कर दिया है, और क्या चाहिए तुम्हारे को, और क्या चाहिए तुम्हारे को सरकार? एजुकेशन पर भी खासा काम किया, आप देखिए कितना बढ़िया, कितने स्कूल्स अच्छे बनाए, आप इन्हीं स्कूल्स को देख लो जो हमारे सामने कुछ नहीं थे, आज इनकी सारी बिल्डिंग्स देख लीजिए। क्या काट करोगे? देखो केजरीवाल जो है ठीक है, यहाँ थोड़ा आप जैसा ये मैं बता रहा हूँ, बस केजरीवाल का एक चीज़ है, ये जब से सरकार बनाई इनकी, जब से सरकार बनी अंदर, इन्होंने जो ढिंढोरा ना, ये दिखावे वाला जो पीटते हैं ना, वो चीज़ इनका ठीक नहीं, बाकी सब बढ़िया है। जब किस चीज़ का ये कर दिया मोदी जी ने, वो कर दिया, अरे करते तुम हो, नाम मोदी जी का लगाते हो, कोई भी काम इनका आप ले लीजिए। इन्होंने कहा कि स्कूल अच्छे कर दिए और बसों में यात्रा फ्री है, बिजली फ्री है, ये सब काम हो रहे हैं? हाँ बढ़िया है, लोगों को बिजली फ्री मिल रही है, अच्छा है, गरीब आदमी को 200 यूनिट मिल रही है, अच्छा है, बिल नहीं आता है, लेडीजों को बस में टिकट नहीं लगते, वो भी अच्छा है, जो चीज़ बढ़िया है उसको। एजुकेशन में मान लो स्कूल बढ़िया है, जो बढ़िया है तो उसको बढ़िया कहेंगे, उसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो फिर विधानसभा में आप केजरीवाल को दोगे? दे देंगे, उसमें क्या बात है, दे देंगे, दे देंगे। अच्छा विधानसभा में दे देंगे, लेकिन भैया वैसे तो हम तो कट्टर बीजेपी के हैं। हाँ मोहल्ला क्लिनिक हेल्थ को लेके का आपको पता है, टांग खींची जाती है हर चीज के लिए, टांग। पर ये अंकल ये शराब घोटाला जो हुआ इसमें अंदर कर दिया इसको, शराब घोटाला जो बता रहे हैं ईडी ने गिरफ्तार किया, अभी जेल भी जाके आए, अभी अंतरिम जमानत, जल्दबाजी होगी थोड़ी, जल्दबाजी होगी ना, अभी फैसला नहीं, जो कोर्ट का फैसला आएगा ये तो। आप तो कुछ कहोगे? नहीं हम भी नहीं कहेंगे, कोर्ट का वो है, इसमें हमारा कोई वो नहीं है, वो तो कोर्ट अपना जो फैसला देगा वही होगा, उसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। आप लोग एकदम मजे हुए राजनेताओं की तरह एक्शन लेते हो, प्रवक्ताओं वाली बाइट दे रहे हो। आपको बताया कि 12 बजे से ही डिस्कस चल रही थी, राहुल गांधी का वही सवाल बताया कि भाई किसी के पास जवाब है तो दे दे, है जवाब नहीं है तो सुनिए, जो मोदी जैसा लीडर देश में नहीं है,
केजरीवाल पढ़े लिखे हैं और जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं इनका बहुत सही है। लेकिन केजरीवाल को अभी राष्ट्रीय स्तर पर आने में थोड़ा समय लगे। राष्ट्रीय स्तर पर जितनी मेहनत कर रहा है तो आएगा ही एक दिन, आ जाएगा 2029 में, हो सकता है नंबर लगे। जो कुछ पता नहीं, अगर मैं जिद्दा हूँ तो शायद लग जाए। माशाल्लाह आप तो 100 साल रहेंगे। नहीं कुछ नहीं कह सकते। देखिए जिस तरह से काम कर रहा है, जैसे पंजाब में आ गया, हरियाणा में भी इसकी बहुत अच्छा चल रहा है, गुजरात में भी है, सब जगह है। पर मुश्किलें आ रही हैं इसके, उसके अंदर मुश्किलें तो आ ही रही हैं। अब इसको कैसे उसने निकलना है ये वो देखेगा, पढ़ा लिखा आदमी है। हमें तो नहीं लगता ये कहीं से कुछ आएंगे। इनके सारे नेता तो जेल जा रहे हैं और कुछ ना कुछ कर रखा, जब ही जा रहे हैं ऐसे तो जाएंगे नहीं, बाद में ढिंढोरा पीटेंगे। मोदी ने बंद कर दिया अभी स्वाति मालीवाल को पीट दिया। बताओ आप, जब एक राज्य सभा सदस्य को पीट दिया। मेरी बात सुनिए, आपकी पैदाइश कब की रही होगी आपकी? इमरजेंसी का दौर नहीं देखा है आपने? आओ जी, आपने देखा होगा विपक्ष के सभी नेता जेल में थे, सरकार ने किए थे, उनका कोई दोस्त था। सरकार अगर चाहे, सत्ता संसाधन उसके पास में, तो किसी को मर्जी है अंदर कर दे, किसी को बाहर कर दे, कैसा संभव है? वही बात है, वही बात चल रही है अभी। ऐसा कुछ अभी हो रहा है? ऐसा ही हो रहा है अभी। ऐसा नहीं है, पहले के टाइम से आज के टाइम में बहुत फर्क है। वो टाइम कुछ आज कानून में आज ऐसा नहीं है, अब कोर्ट के हाथ में सब कुछ है, कुछ नहीं अब बहुत आप कब की बात कर रहे हो? आज के समय देखो, पहले आटा 5 रुपए किलो मिलता था, आज 40-50 रुपए किलो मिल रहा है। क्यों नहीं बदला? बहुत सारा वो तो महंगाई, वो महंगाई आ गई भाई, वो महंगाई है। आटे का और कानून को कोई कंपैरिजन नहीं है। बदलाव हर चीज का है, चाहे आप जहां देखोगे बदलाव है। आप अगर ये सोचो कि चाहे वो कोर्ट हो या घर हो, हर जगह बदलाव हो रहा है। कहीं ना कहीं दोषी हैं ये लोग, तभी जा करके अंदर डाल। बिना उसके नहीं है, आग होती है वहाँ धुआं होता है। हाँ वहाँ जरूर धुआं होगा जहाँ आग है। क्या कह रहे हैं, वॉशिंग मशीन इनके पास आ जाएगी, वहाँ से भी आएंगे। कांग्रेस वालों के पास नहीं, विपक्ष वालों के पास, इसके पास अगर ये आ जाते हैं तो वहाँ से जितने भी हैं ना गए हुए, वो वॉशिंग मशीन में इधर ही आएंगे। फिर भगदड़ मचेगी। मचेगी क्योंकि वॉशिंग मशीन, ये भी आप ये देखना है कि उस टाइम पे ये लोग क्या जल्द भगदड़े। हाँ जल्द मचेगी अब भगदड़े। हाँ जल्दी आ जाएंगे, अब ये काम जल्दी होना है। पर उलट फेर हो गया, हरियाणा में एक मिनिस्टर ने रिजाइन करके कांग्रेस में आ गया, वहाँ पर हरियाणा विधानसभा के अंदर। देखो धीरे धीरे चल रहे हैं, लोग बाग समझ रहे हैं। नायब सिंह सैनी की सरकार, वहाँ थोड़ा सा ऊपर नीचे। हाँ तो देखिए लोग बाग सब समझ रहे हैं, सरकार तो नहीं जाएगी। देखिए सरकार हर चीज का, अब चुनाव में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं है। सरकार तो हरियाणा में नहीं जाएगी बीजेपी की, क्योंकि 6 महीना रुक गया, 6 महीना में कोई गिराना नहीं चाहता, वैसे वहाँ कांग्रेस आएगी। हाँ जो चुनाव होंगे विधानसभा के, वहाँ उलटफेर हो सकता। खैर ये थी हमारी बातचीत, थोड़ी सी कर्री वाली बातचीत हुई बुजुर्ग और कुछ नौजवानों के बीच में। चलिए और इस तरह की बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा।